नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप घर पर रहें और स्वस्थ रहें। इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए जो भारत सरकार ने अभियान चलाया है, उसे हमारा फ़र्ज है कि हम उसे पूरा करें। चलिए, आज मैं आपको 4th कक्षा के बच्चों को हिंदी भाषा का पहला पाठ सिखाती हूँ। भाषा प्रकरण, हमारा पाठ का नाम है भाषा। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? भाषा। देखिए बच्चों, भाषा वह माध्यम है, माध्यम यानी कि वह एक कड़ी है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। यानी कि आप जब अपनी बात कह रहे हैं या सामने वाले की बात सुन रहे हैं, उसको सुनना और आदान प्रदान करना, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा मौखिक भाषा, पहला है मौखिक भाषा, मौखिक यानी कि ओरल लैंग्वेज जिसे आप सुनते हैं। सेकंड है हमारा लिखित भाषा, मतलब रिटन लैंग्वेज जिसे हम लिखते हैं। सबसे पहले हम किस पर प्रकाश डालेंगे? मौखिक भाषा पर। मौखिक भाषा, हम जो कुछ भी बोलते या सुनते हैं, यानी कि आपने जो अपने मुँह से बोला या अपने कानों से सुना, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, मतलब ओरल लैंग्वेज। यह हमारी भाषा का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि सबसे पहले हम सुनना और बोलना ही सीखते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, यह हमारी भाषा का प्रारंभिक रूप है। प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट स्टेज हमारा क्या होता है? ओरल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम सुनना और बोलना ही सीखते हैं। छोटा बच्चा जो होता है, उसे हम सबसे पहले बोलना और सुनना ही सिखाते हैं। जैसे संगीत सुनना, यानी कि आपने जैसे म्यूज़िक सुना कानों से, आपके फ़ोन पर बात करना और आपने फ़ोन पर बात करी, आपने कुछ लिखित नहीं किया, सिर्फ आपने सुना और बोला, ये हमारा मौखिक भाषा का ही उदाहरण होता है। अब हम आ जाएंगे लिखित भाषा पर। इसकी दूसरी क्या है हमारी? लिखित भाषा, हम जो कुछ भी लिखते हैं, यानी कि इसके बाद आप स्कूल गए, पहले आपने मौखिक भाषा का ज्ञान किया, वो हमारा घर पर हो गया, हमारे परिवार वालों के साथ हो गया, और हमारे स्कूल में भी ओरल सिखाया जाता है बच्चों को, प्रेप में, प्ले क्लास में। जैसे बच्चा नया आता है तो हम उसे पहले ओरल सिखाते हैं, जब वो ओरल में पूरा परिपक्व हो जाता है तब हम उसको लिखित भाषा का ज्ञान कराते हैं। लिखित भाषा का ज्ञान करने के लिए आपको लिखना सीखना पड़ेगा और पढ़ना सीखना पड़ेगा। अब हम आते हैं, हम जो कुछ भी लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह क्या मतलब? जो हमने लिखना सीखा वह हमारी भाषा का स्थाई रूप है। स्थाई मतलब मजबूत या पक्का रूप, आप उसे हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लिखी गई बातों को हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि आपने कॉपी पर वर्क किया, आपको टीचर ने जो भी वर्क कराया तो आपने उसको कॉपी पर किया, और वो कॉपी पर किया गया लिखा हुआ वर्क आपका पूरे साल भर, पूरे ईयर तक चला, यानी कि वो एनुअल एग्ज़ाम तक आपके वो कॉपी काम आई। इसका मतलब हुआ कि आपने उसको सुरक्षित रखा। तो ये हो गई हमारी लिखित भाषा। पहले हमने करी थी मौखिक भाषा, यानी कि हमने ओरल ज्ञान किया था, ओरल लैंग्वेज, और ये थी हमारी लिखित भाषा, इसका मतलब हुआ रिटन लैंग्वेज। हो गए भाषा के दो रूप, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लिखित भाषा का उदाहरण करेंगे। जैसे लिखित भाषा आप कैसे करेंगे? पत्र लिखना, यानी कि लेटर लिखना। आपने अपने फ्रेंड को पत्र लिखा, अपने स्कूल टीचर में पत्र लिखा स्कूल टीचर को, और आपने घर पर देखते हैं आपके पेरेंट्स अखबार पढ़ते हैं, पापा वगैरह जैसे बड़े, तो वो भी हमारा लिखित रूप होता है। कंप्यूटर पर काम करना आदि हमारा लिखित भाषा के ही उदाहरण है। ये सब हमारे लिखित भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। जो हमने कानों से सुना, जो हमने मुँह से बोला, वो हमारा ओरल भाषा यानी कि मौखिक भाषा का हो गया। जो हमने लिखा और पढ़ा वो हमारा लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। अब मैं आपको भाषा के अंतर्गत और कुछ बताती हूँ। ये तो हमारी दो तरह की भाषा होगी। अब देखिए बच्चों, भारत एक हमारा विशाल देश है, यानी कि भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है, और इसके अलग अलग पार्ट है। अब इसके अलग अलग पार्टों में भिन्न भिन्न भाग मतलब पार्ट में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि जो अलग अलग पार्ट होते हैं, स्टेट, जैसे अलग अलग स्टेट, वहाँ की अलग अलग भाषाएँ होती हैं। भारत के फिर भी भारत के अधिकांश हिस्से यानी कि बहुत ज़्यादातर हिस्सों में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी कि हिंदी भाषा को ही बोलना और लिखना अधिकतर पसंद करते हैं।
भारत में वैसे तो बहुत भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, केरल में केरल भाषा, तमिल भाषा बोली जाती है। अलग, मैंने आपको भी बताया, अलग अलग स्टेट की भाषा का ज्ञान वो मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। भारत में प्रत्येक वर्ष यानी कि एवरी ईयर 14 सितंबर 14 सितंबर का दिन जो होता है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 14 सितंबर 1949 को 1949 में भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए यह आज भी यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। अब आ जाएंगे हमारी मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि मदर टंग, जिसे हम मदर टंग कहते हैं। जन्म लेने के बाद जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो वो भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। यानी कि अगर भारत में जो बच्चा लेगा जन्म वो हिंदी सबसे पहले, अलग अलग स्टेट में जैसे अलग अलग लैंग्वेज होगी वो सीख, तो वो उसकी मदर टंग होगी। बाहर विदेशों में लेगा तो वो अंग्रेजी सीखेंगे, इसलिए वो उसकी उस मातृभाषा होगी। चलिए बच्चों, अब आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा या आपको पसंद आया होगा, तो मैं आपको इसी के आधार पर कुछ, मैं आपको घर बैठे आपको गृह कार्य देती हूँ। गृह कार्य में ये आपके 5 प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं 5ों के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये प्रश्न इस तरह से, ये प्रश्न जो हैं ये आपके इसी भाषा के पाठ पर आधारित हैं। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी के अंदर ही ये प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भाषा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं। मैंने सबसे पहले आपको यही समझाया था कि भाषा किसे कहते हैं। अब आपको ढूंढना होगा कि भाषा किसे कहते हैं। आप अपने मम्मी पापा की सहायता से दोबारा इस चैप्टर को समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। सेकंड प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं? यानी कि आपको इसमें बताना है कि आपने भाषा के कितने रूप देखे। थर्ड प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न, भाषा का स्थायी रूप बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, भाषा का स्थायी रूप यानी कि मजबूत पक्का रूप जो आप कभी, जो आप सब अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, वो आपको रूप बताना है। फोर्थ प्रश्न है आपका, फोर्थ प्रश्न, भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है? प्रारंभिक रूप यानी कि सबसे पहले आप भाषा, कौन सी भाषा सीखते हैं, सिर्फ आपको उसका प्रारंभिक रूप बताना है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, भारत के अधिकांश राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? अब आपको बताना है कि भारत के अधिकतर राज्यों में, स्टेट में, कौन सी भाषा बोलना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपका गृह कार्य हो गया बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे, घर पर इसे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।